वीरान पड़े ये खंडहर। अतीत के वो पहरेदार हैं जिनके सीने में दफन हैं अनगिनत राज, ऐसे राज जिनकी खबर केवल यहाँ की हवाओं को है और साथ ही इन आदिम पत्थरों को। इस उजाड़ से दुनिया को देखकर शायद ही कोई आज ये अंदाजा लगा पाए कि कभी ये जगह स्वर्ण नगरी के नाम से मशहूर रही होगी और अपनी समृद्धशाली के लिए देश में खास पहचान रखती होगी। इतिहास में इसकी समृद्धि और इसके शौर्य की जितनी कहानियां दर्ज हैं, आज यहाँ उतनी ही शांति है। इस खामोशी के बीच भी यहाँ की ऐतिहासिक कहानियों को महसूस किया जा सकता है। नदी के बीच बना ये महल, ये शिव मंदिर मानो खुद ही अपने ऐतिहासिक महत्व को बयां करने की कोशिश कर रहे हों। ये धरोहर सिवनी जिले के छपारा तहसील में स्थित है और छपारा की गढ़ी के नाम से इतिहास में दर्ज है। बैन गंगा नदी के किनारे बसे छपारा के लिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में ये सिवनी से ज्यादा समृद्ध हुआ करता था और खासकर सोने चांदी के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग सोने चांदी की दौलत से खेलते थे। छपारा को गोंड राजाओं ने बसाया था जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। सिवनी से जाहिद कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। जी हाँ, छपारा की गढ़ी जिसकी मीनारे गवाह है राष्ट्रीय दौर की, जिसके बरामदे पहरेदार हैं उस सुनहरे अतीत के जिसके किस्से कहानियां आज भी इतिहास के इस दस्तावेज में दर्ज हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की खास पेशकश छपारा की गढ़ी में, जो आबाद है सिवनी के छपारा में। राज बदला, राजा बदले, राज दरबार भी बदल गए, लेकिन नहीं बदली छपारा की गढ़ी। तो चलिए आपको लिए चलते हैं इतिहास के उस आंगन में जहां आज भी सांसें ले रहा है वो गुजरा दौर। छपारा की गढ़ी शिवभक्त गोंड राजाओं की देन मानी जाती है, जिसने लंबा समय तय किया और इस सफर में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा अपने अस्तित्व को बचाने में, हम लोगों को अपना महत्व बताने में। कैसे हुआ इसका निर्माण और क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए देखते हैं। छपारा की गढ़ी यहाँ के वैभवशाली इतिहास की गवाह रही है। औरंगजेब के शासनकाल में सन 1500 से 1750 ईस्वी तक छपारा में मंडला और देवगढ़ के गोंड राजाओं का मिला जुला राज था। उस दौर में सिवनी शहर महाराष्ट्र के नागपुर में शामिल हुआ करता था। छपारा के गोंड राजाओं ने अपनी फौज के सूबेदार राम सिंह को यहाँ तैनात किया। सूबेदार ने अपनी फौज के लिए छपारा में एक महल बनवाया ताकि यहाँ से दुश्मनों पर नजर रखी जा सके, हमलावरों से प्रजा को बचाने में आसानी हो। यही महल आज छपारा की गढ़ी के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब के शासनकाल में मंडला और देवगढ़ के गोंड राजाओं का मिला जुला राज था। मंडला के राजा ने अपनी फौज के सूबेदार राम सिंह को यहाँ तैनात किया था, तो उनके द्वारा ये गढ़ी बनाई गई है। सन 1703 में देवगढ़ के शासक भक्त बुलंद शाह के
सूबेदार राम सिंह ने छपारा बसाया था, उसी दौरान बैनगंगा नदी के तट पर एक गढ़ी का निर्माण कराया था, जिसे आज छपारा की गढ़ी के नाम से जाना जाता है। इस गढ़ी को इस तरह से बनाया गया कि दुश्मन सीधे हमला न कर पाए। गढ़ी के चारों कोनों की ऊंचाई इतनी रखी गई कि हमलावरों पर नजर रखने में आसानी हो। कहा जाता है कि गढ़ी के चारों कोनों में एक एक गुप्त रास्ता बनवाया गया जो बैन गंगा नदी के पार निकलता था, और उन गुप्त रास्तों का इस्तेमाल दुश्मनों से बचाव के लिए किया जाता था। इसका रास्ता नदी के नीचे से बना हुआ था, जो पुल के उस पार एक गेट अभी भी कायम है जो गिरा नहीं है, वहां से खुले दिनों में सीधे निकल के आते थे। उस काल में ब्रिज की कमी थी, ब्रिज नहीं था, तो बरसात के दिनों में वो नीचे से जो सुरंग बनी थी उससे निकल के आ जाते थे। गोंड राजा भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, इसका प्रमाण यहाँ बने शिव मंदिर से मिलता है। गढ़ी के पास गोंड राजाओं ने इसे बनवाया, जो आज यहाँ के लोगों की अटूट आस्था का केंद्र है। इस प्राचीन मंदिर में लोग पूजा अर्चना करते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं। गढ़ी के सामने ही एक प्राचीन शिव मंदिर है, जो छपारा नगरवासियों के लिए आस्था का केंद्र है। शासन द्वारा जिले की सिवनी जिले की सभी 8 तहसीलों का पुरातात्विक सर्वेक्षण ग्राम से ग्राम पद्धति के आधार पर कराया गया है। छपारा की गढ़ी को जिस उद्देश्य से बनवाया गया था, वो खत्म होते ही उसकी अनदेखी शुरू हो गई। यहाँ के गोंड राजा नागपुर के रघुजी भोसले से जंग हार गए। रघुजी भोसले ने छपारा पर अपना अधिकार कर लिया। और संग्रहरी किले के बदले छपारा को राजा मोहम्मद खां को सौंप दिया। मोहम्मद खां के बेटे अमीन खां ने छपारा को वो महत्व नहीं दिया और अपनी राजधानी छपारा से बदलकर सिवनी बना ली, जिससे छपारा की अनदेखी होने लगी। जब ये गोंड राजा रघुजी भोसले से जंग हारे, तो उसके बाद ये नागपुर के भोसले राजा के राज्य में चला गया। उनके राज्य में जाने के बाद इस किले की तीमारदारी और रख रखाव धीरे धीरे खत्म हो गया, जो आज खस्ता हालत में आधे से ज्यादा गिर चुका है। प्रशासन व पुरातत्व विभाग ने कोई इसका देख रेख नहीं की, तो धीरे धीरे ये तहस नहस होते जा रही है, टूट फूट ज्यादा हो रही है। तो हम छपारा वासी यही चाहते हैं कि जो छपारा का एकमात्र महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल छपारा की गढ़ी है, उस पर विशेष ध्यान देवे, कुछ उसका जीर्णोद्धार होवे या नवीनीकरण होवे। छपारा की गढ़ी को गोंड राजाओं के बाद किसी ने उतना महत्व नहीं दिया। उसकी नींव तो मजबूत थी, लेकिन रखरखाव के अभाव ने उसे कमजोर कर दिया। सिवनी से जाहिद कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छपारा की ये गढ़ी की ऐतिहासिक धरोहर की कहानियां भी और भी हैं। रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए। छपारा की ये गढ़ी एक ऐतिहासिक धरोहर तो है ही, लेकिन इसके इतिहास में एक तारीख भी दर्ज है, वो तारीख जिसे याद करके यहां के लोग सहम जाते हैं, वो तारीख जिस दिन दीपावली के जगमगाते दियों के बीच छपारा को अंधेरे में धकेल दिया। दिवाली का त्योहार, हर तरफ खुशियों के जगमगाते दिए जल रहे थे, लोग पूजा की तैयारियों में जुटे थे। तभी छपारा पर पिंडारी काल बनकर टूटे। उनके घोड़ों की आवाज से पूरा शहर कांप उठा।
और सब तहस नहस कर दिया। छपारा की रक्षक सेना नागपुर में दिवाली मना रही थी। इसी का फायदा पिंडारियों ने उठाया और हमला बोल दिया। चारों तरफ लोग चिल्ला रहे थे। पिंडारियों ने लूटपाट और मारकाट मचा दी। घर मकान हवेलियां धू धू कर जल गईं। किले को नष्ट कर दिया गया। कहा जाता है कि इस हमले में 40,000 लोग मारे गए थे। कदम कदम पर लाशें बिछी थी, जिन्हें बैनगंगा नदी के किनारे खाई खोद कर दफन किया गया। इस जगह को आज गंज शहीद के नाम से जाना जाता है। स्मारक के रूप में बनाए गए चबूतरे के अंश आज भी दिखाई देते हैं। 1850 के आसपास यहाँ पर पिंडारियों का हमला हुआ दिवाली की रात में, और छपारा उस वक्त परगना हुआ करता था। परगना जिला कहा जाता है, तो जिले की हैसियत छपारा की थी। तो 40,000 लोगों को उन्होंने कत्ल किया, ऐसा तारीख बताती है यहाँ। और वो सारे लोग जो कत्ल किए गए, उनका एक कब्रिस्तान बना, वो छोटा सा मंदिर जो पानी के अंदर है, वहाँ एक बहुत बड़ा बड़ का पेड़ था, धड़धड़ा घाट बोलते हैं, वो डूब गया। उसके सामने नदी के इस पार, छपारा से इस पार, वहाँ फिर उनकी सामूहिक कब्र बनाकर उनको दफन किया गया। ये बहुत ही दर्दनाक तारीख है छपारा की। छपारा को उबरने में बहुत लंबा वक्त लगा। पिंडारियों ने 1803 से 1818 तक पूरे इलाके में लूट मचा रखी थी। इनका नाम सुनकर ही लोग कांपने लगते। नर्मदा किनारे ऐसा कोई शहर, गांव या कस्बा नहीं था जिसे पिंडारियों ने लूटा ना हो। इनके एक एक दल में हजारों खुकार लुटेरे शामिल थे, जो बेहद खतरनाक थे। अंग्रेजी लेखक मेलकम ने पिंडारियों को तबाही फैलाने वाली टिड्डियों की संज्ञा दी, जिन्हें लूटमार के लिए भाड़े पर इस्तेमाल किया जाता था। 1809 में बालाघाट, 1810 में छपारा सिवनी और छिंदवाड़ा इनके आतंक का शिकार हुआ। कहा जाता है कि पिंडारियों को ग्वालियर राजघराने से संरक्षण प्राप्त था, और इसके बदले ये लूट के माल में रजवाड़ों को हिस्सा देते थे। पिंडारियों का जहाँ तक इतिहास है, तो पिंडारी लोग संरक्षण पाए हुए थे ग्वालियर राजघराने से। वो लोग निकल के दूसरे राज्यों में जाकर लूटमार करते थे, डकैती करते थे, कत्लो गारतगरी करते थे, और वहाँ वापस पहुंचकर लूट के माल में रजवाड़े को भी हिस्सा बनाते थे और वहाँ हिफाजत भी पाते थे। कहा जाता है कि छपारा पर हमले से पिंडारियों को अथाह सोना मिला, इतना सोना जिसे पाकर वो दूसरी बहुमूल्य चीजें यहीं छोड़ गए। पिंडारियों ने छपारा से उसकी विरासत छीन ली और छपारा को उजाड़ में तब्दील कर दिया। सिवनी से जाहिद कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। सिवनी गोंड राजाओं के 52 गढ़ों में से एक रहा है। इनमें चावड़ी, छपारा, आदेगांव, अहमगढ़ माने जाते थे। इन तीनों गढ़ों में भी बैनगंगा नदी के किनारे बसे छपारा का खास महत्व है, और उतना ही महत्व रखती थी बैनगंगा नदी, जो इस धरोहर की साक्षी रही। बैनगंगा नदी छपारा के लोगों के लिए आस्था का केंद्र रही है। इस नदी का उल्लेख पुराणों में वेणु और वेण्या के नाम से मिलता है। इसके जल में पवित्रता, निर्मलता और आत्मीयता का रस खुला हुआ है। ये छपारा के लोगों के लिए जीवनदायिनी नदी मानी जाती है। बैनगंगा नदी सिवनी से 18 किलोमीटर दूर मुंडारा गांव से निकलती है। इस गांव में एक कुंड से बैनगंगा का उद्गम स्थान है।
इस नदी के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी इसका पानी एक बार पीता है वो यहीं रच बस जाता है। इसका प्रमाण यहाँ के वो लोग हैं जो अलग अलग राज्यों और शहरों से आकर यहाँ बसे हैं, जिन्होंने सिवनी को अपनी कर्म भूमि बनाया, जो उनकी संतानों की जन्म भूमि बनी। ये नदी सिवनी की अर्ध परिक्रमा करती हुई महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। भंडारा में इस नदी का पाट दर्शनीय है। इससे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बड़े इलाके में सिंचाई होती है। यही वजह है कि ये नदी छपारा के लोगों के लिए प्राणदायिनी कहलाती है। सिवनी से साहिद कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज बस इतना है। आप देखते रहे IBC 24। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।